सो वीर द नालिस वन वे रिपीटेड मेर अनोवा इन एसपेसिस विद वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद थ्री लेवल्स और आप उसके आउटपुट हमारे सामने उसके हम इंटरप्रटेशन करेंगे आई विल शो यू वन ओ टू स्लाइड्स हेयर इन द नाय टेक यू टू दैट एस पी एस एस आउटपुट फायल लेकिन उन सारे टेबल्स को मैंने कॉपी पेस्ट करके आपके लिए यहाँ पर भी लगा दिया मैं सो इन द फर्स्ट आउटपुट बॉक्स जो हमारे पास आएगा वी आर प्रोवाइडेड विद द डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स फॉर योर थ्री सेट्स ऑफ स्कोर्स जिसके अंदर हमारे डिस्क्रिप्टिव में उसके मीन और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियशन गिवन होते हैं दिस इज द फर्स्ट बॉक्स दैट द आउटपुट विल गिव 24 फोर आवर्स उसने मीन एरर्स दी हैं 36 सिक्स आवर्स के लिए उसने मीन एरर्स दी हैं विद द स्टैंडर्ड इविएशन एंड देन फॉर द 48 एट आवर्स उसने हमें स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियशंस दी हैं अगला हमारा जो टेबल होता है वो हमारा है मॉचले टेस्ट ऑफ सफेरिसटी uh, मैंने आपको भी बताया था कि हमारे पास uh, जब इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं तो हमारी जो

मॉचे टेस्ट कैन नॉट बी इंटरप्रटेड विदाउट द कॉन्टेक्सट ऑफ द सांपसाइज़ सो इन द प्रोडिंग एग्जाम्पल सांपसाइज इज़ वेरी लो इट इज मोर लाइकली टू गिव द मॉचले टेस्ट वैल्यू एज पी डॉट जस्ट डॉट एंड का स्क्वेयर वैल्यू जस्ट डॉट नो नंबर इज डिस्प्लेड दिस इंडिकेट्स देश सो अगर आपका सांपसाइज कम है या किसी भी और वजह से अगर वो मॉचले टेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करता और यहाँ पर सिंपल आपका डॉट आ जाता है तो स्टिल तो आपने वो एक्जम्पन फुलफ़िल नहीं की या यू वॉयलेटेड द दम्पशन ऑफ द सफेरसिटी और अगर आप वॉयलेट करते हैं तो उसके लिए फिर आपके पास दूसरी ऑप्शंस मौजूद होती हैं अगला जो हमें टेबल वो देता है वो है टेस्ट ऑफ विद इन सब्जेक्ट इफ़ेक्ट जो कि मेन टेबल है जैसा हमारा इंडिपेंडेंट वन वे या टू वे नोवा के अंदर हमारा बिटवीन सब्जेक्ट इफेक्ट्स होते थे ना वी वुड हैव टेबल ऑफ विद इन सब्जेक्ट इफेक्ट इसके अंदर हमें ये देखें ये पहला जो हमारा कॉलम है ये है सफेरसिटी इज्यूम्ड अब हमारी सफेसिटी एज्यूम्ड नहीं है क्योंकि हमारी एजाम्पन मीट नहीं हुई क्योंकि वैल्यू हमारे पास आई ही नहीं कोई भी सो वंस वी वोलेट द एजाम्पन ऑफ द दफेसिटी वी विल गो फॉर द ग्रीन हाउस गाइज़र वैसे तो इसके अंदर वो तीन टेस्ट वैल्यूज़ देता है लेकिन मोस्ट फ्रीकुनली जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द ग्रीन हाउस गाइज़र वैल्यू अब हमने जो रिपोर्ट करनी है एफ वैल्यू हम ग्रीन हाउस गाइजर की वैल्यू रिपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारी सफेसिटी की एग्जाम्पन जो है वो मीट नहीं हुई मोर और लेस यू कैन सी के वैल्यूज़ आर ऑलमोस्ट सेम लेकिन जब हमारा साम्पर साइज बड़ा होता है वन वी अवद वेरिएबल्स ऑल्सो तो स्लाइट डिफरेंस तीनों वैल्यूज़ में होता है क्योंकि वो एरर को करेक्ट करता है एस पी एस एस फॉर जम्शन नॉट बींग मैन सो हमारी इसके अंदर सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू है हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको दिया हुआ है अब देखिए उसने डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम हमारी वैसे टू बनती हैं क्योंकि हमारे पास तीन लेवल्स हैं ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स एंड फोर्टी एट आवर्स के तो थ्री माइनस वन टू बनती है लेकिन जब हमने उसको करेक्ट करना है फॉर सफेरसिटी नॉट इज यूम्ड तो उसने आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कम कर दिया एंड दैट इज़ वन कर दिया है तो नाउ यू डिवाइडेड बाय वन मीन स्वयर सेवेंटी आ जाएगा और फिर आपकी जो वैल्यू है एफ़ की वो हमारी सेवेंटी आ गई है और ये हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू है यानी एफ़ टेस्ट की वैल्यू सिग्निफिकेंट है विच इज़ लेस देन पॉइंट ज़ीरो फाइव देयर फॉर वी कैन कंक्लूड के देयर इज स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इफेक्ट एंड देर वॉज अ चेंज इन द नंबर ऑफ एरर्स क्रॉस कंडीशन यानी जैसे जैसे आपकी स्लीप डप्रोवेशन का पीरियड इंक्रीज़ हुआ आपकी number of errors भी increase हुई है आपकी नंबर ऑफ एरर्स भी इंक्रीज़ हुई हैं एंड द रिजल्ट आट सिग्निफिकेंट एक है इफेक्ट साइज हम देखते हैं मैंने बात की थी कि हमारी पार्शल एटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती हैं इनोवा खुद से ही कैलकुलेट करके आपको चाहे वो आपका इंडिपेंडेंट सैंपल इनोवा है या फिर आपका रिपीटेड मेयर इनोवा है आपका चाहे वन वे है या टू वे है आपको वो पार्शल एटा स्क्वायर की वैल्यू देता है अब पार्शल एटा स्क्वायर एग्जैक्टली कोई इफेक्ट साइज का सब्सटीट्यूट नहीं है क्योंकि देखें इसकी बहुत ही इन्फ्लेटेड आपकी वैल्यूज़ आती हैं बहुत बड़ी आती हैं जो कि इतना पॉसिबल नहीं होता लेकिन चूंकि हमारा अगर सैंपल स्मॉल हो तो वो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं वी नीड टू इंटरप्रेट दैम वेरी केयरफुली लेकिन ओवरऑल ये हमें मैग्नीट्यूड बताता है कि जो डिफरेंस है आपका तीन कंडीशन में वो कितना है तो इट इज़ वेटी मच हाई इट इज़ पॉइंट नाइन फोर सो यूजिंग द कॉमनली यूज गाइडलाइन जो हमें कॉन्स देता है हमारे इफेक्ट साइज़ के लिए वो पॉइंट वन पॉइंट सिक्स और पॉइंट वन फोर लार्ज इसके मुताबिक हमारा ये बहुत ही लार्ज इफेक्ट साइज है याद रखें इफेक्ट साइज अब हमारे जितने भी हम रिसर्च रिपोर्ट्स लिखते हैं रिसर्च पेपर्स लिखते हैं ए पी ए रिक्वायर्स टू रिपोर्ट द इफेक्ट साइज वट एवर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स यू हैव यूज तो अगर आपने इनोवा यूज़ किया है तो आप पार्शल एटा स्क्वायर की वैल्यू रिपोर्ट करते हैं और इस केस के अंदर हमारी जो वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी आ रही है इसके बाद चूंकि हमने पोस्ट हॉक टेस्ट भी किया था और हमने पेयर वाइज कंपेरिजन भी उसको कहा था कि कैलकुलेट करें पेयर वाइज कम्पेरिजन हम हमेशा तब करते हैं जब ग्रुप्स हमारे दो से ज़्यादा होते हैं और इस टेबल में आप देखें कि पेयर वाइज कम्पेरिजन टेबल प्रोवाइड यू द पोस्ट हॉक एनालिसिस एंड कंपेयर्स ईच पेयर ऑफ टाइम पॉइंट्स एंड इंडिकेट वेदर द डिफरेंस वॉज सिग्निफिकेंट और नॉट तो आपकी पहली कंडीशन का दूसरी के साथ जो आपका मेन डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है नहीं है जबकि पहली और तीसरी के दरमियान डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है यानी ट्वेंटी फोर आवर्स और थर्टी सिक्स आवर्स के दरमियान जो एरर का रेट है वो सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन वन और थ्री के दरम्या आपका डिफरेंस सिग्निफिकेंट है क्योंकि ट्वेंटी फोर आवर और फोर्टी एट आवर की स्लीप डेप्रिवेशन के बाद द डिफरेंस बिटवीन द एरर्स ऑन द मोटर स्किल टास्क इज सिग्निफिकेंट इसी तरह टू और वन का डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन टू और थ्री का डिफरेंस जो है वो दैट इज़ सिग्निफिकेंट सो जहाँ जहाँ पी वैल्यू इज़ लेस देन पॉइंट जीरो फाइव उसका मतलब है कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट है तो थर्ड कंडीशन जहाँ पे 48 एट आवर्स की डेपरीवेशन हो गई है वहाँ पे आपकी वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है नंबर ऑफ एरर्स उसमें पहली कंडीशन से और दूसरी कंडीशन से भी सो पेयर वाइज कंपेरिजन में यू विल लुक फॉर द कॉलम एस आई जी वेयर इट हैज मेड द पेयर वाइज कंपेरिजन एंड यू लुक फॉर द वैल्यू विच आर लेस देन पॉइंट जीरो फाइव टू क्लेम के इन पेयर के दरमियान डिफरेंस जो है वो सिग्नीफिकेंट है ये सारा मैंने आपको बता दिया इसका ऑलरेडी वही लिखा हुआ है कि पहले और दूसरे के दरमियान डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन पहले और तीसरे और दूसरे और तीसरे के दरमियान डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है ये भी वही चीज़ है कि नंबर ऑफ एरर्स सिग्नीफेंट डिफरेंट है आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स एंड थर्टी सिक्स आवर्स यानी सेकेंड और थर्ड के दरमियान भी डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है और अब आखिरी चीज़ जो है कि हम रिपोर्ट रिजल्ट कैसे करते हैं ए पी ए के मुताबिक दिस इज़ द वे हाउ वी विल रिपोर्ट वी विल राइट फर्स्ट लाइन के अंदर हम डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हमारे रिजल्ट क्या आए हैं तो वन वे रिपीटेड मेयर इनोवा वॉज कंडेड टू कम्पेयर नंबर ऑफ़ एरर्स आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स और उसका आगे मीन और स्टैंडर्ड एवियशन देंगे आफ्टर थर्टी सिक्स आवर्स मीन और स्टैंडर्ड एविशन एंड आफ्टर फोर्टी एट आवर्स स्लीप डेप्रिवेशन के बाद नंबर ऑफ एरर्स कितने थे सो देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट फॉर स्लीप डेप्रिवेसन उसमें आप एफ़ की वैल्यू देंगे एफ़ इटालिसाइज्ड होगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर बिटवीन एंड विद इन होंगी विच इज़ वन एंड फोर क्योंकि हमारे टोटल फाइव पार्टिसिपेंट्स हैं तो फाइव माइनस वन वुड बी फोर एफ़ वन और फोर के ऊपर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू सेवेंटी है पी इज इक्वल टू पॉइंट जीरो जीरो वन और पार्शल एटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी पॉइंट नाइन फोर सिक्स है विच मीन्स रिजल्ट आर सिग्निफिकेंट एंड देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ sleep deprivation on the errors on the motor skill task this is about a repeated mayor and ova and we have done just one way repeated mayor with one variable